हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर बनी है इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखने हैं। नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो एंगल्स आ रहे हैं इनके नाम हमें बताने हैं, कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल ए, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 कोण, इन्हीं के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये इसका आंसर बन जाएगा। बस इतना सा है, यहाँ पर कहाँ कहाँ एंगल्स बन रहे हैं उनके एंगल्स के नाम लिखने थे, बस ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इसमें पॉइंट या पॉइंट्स बताने हैं आपको, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, अब इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। ए है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित हैं। कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इंटीरियर में या अभ्यंतर आ रहे हैं। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल डी ओ ई। अब हमें देखना पड़ेगा एंगल डी ओ ई है कहाँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये है डी ओ ई, तो ये जो बन रहा है इसे हम कह रहे हैं एंगल डी ओ ई। इसको हम थोड़ा डार्क करके यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से ये आ रही है एक लाइन, और दूसरा यहाँ पर ये आ रही है, ये जो बन रहा है इसे हम कह रहे हैं एंगल डी ओ ई। तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है वो हमने देखना है। तो अंदर आ रहा है पॉइंट ये वाला, बीच में ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ए। तो यही आप लिखेंगे यहाँ पर। तो अभ्यंतर में या इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो इसके सामने आप इसका आंसर लिख देंगे ए। बस ये है, पॉइंट ए लिखें या फिर ए, बिंदु ए, या सिर्फ ए लिख सकते हैं आप। तो ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन इसी का बी पार्ट जो है उसमें है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। अब एंगल ई ओ एफ देखना कहाँ है और उसके एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं वो देखना है। तो ई ओ एफ कहाँ है वो देखें सबसे पहले। तो ई पॉइंट ये है, ओ ये है और एफ ये है। तो ई ओ एफ ये वाला एंगल हुआ। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं क्या पूछा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेज आएंगे। अब यहां बोला है एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखने हैं हमें। तो एक्सटीरियर में कौन कौन से आ रहे हैं, एक्सटीरियर यानी कि बाहर बहिर्भाग में, या बहिर्भाग में बोला है एक्सटीरियर में। तो एक्सटीरियर कहाँ है, इसके बाहर, ये है अंदर का हिस्सा, इसके बाहर जहां जहां पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको वो लिखने हैं। तो बाहर कहां कहां पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये आ रहा है ए, ये डी नजर आ रहा है, ये सी, दोनों साइड बाहर जहां भी हों उनके हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो ए सी एंड डी यहां पर हो जाएगा, ए सी डी। तो ए सी डी ये तीन पॉइंट्स हैं जो इसके बाहर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में आपको कहा है ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ पर स्थित हैं, इसी एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो वो देखो अब आप, इस एंगल के ऊपर जहां जहां ये रेज जा रही हैं दो किरणें, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे एंगल ई ओ एफ के ऊपर। तो कौन कौन से आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ई बी ओ एफ। तो ये पॉइंट्स आ गए यहाँ पर ऑन एंगल ई ओ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये है क्वेश्चन, ड्रॉ रफ डायग्राम्स of two angles such that they have, और ये अलग अलग parts हैं यहाँ पर। Rough diagrams बनाने, दो angles के, दो कोणों की rough आकृतियाँ खींचिए जिससे ये point satisfy होते हों। अलग अलग सबकी figures बनेंगी। सबसे पहले हम point A की बात करते हैं। इसमें A part जो है उसमें क्या कहा है, A part में कहा है one point in common, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो ऐसी rough आकृतियाँ बनानी है, rough diagram दो angles के जिसमें एक point common हो, दोनों में एक point common आए, उभयनिष्ठ आए। तो एक पॉइंट ऐसा हो जो दोनों का पार्ट हो। तो हमें दो एंगल्स बनाने हैं, वो देखते हैं कैसे बनेंगे। तो पहले एक एंगल बना लेते हैं, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं उस एंगल को, स्केल से ड्रॉ करें आप ये रेज। एक एंगल बन गया, एंगल में एरोज होते हैं, रेज है क्योंकि ये, तो इस तरह से आप इसमें बना लेंगे। और
उसके बाद हमें एक और एंगल बनाना है, दो एंगल्स बनाने हैं जिनमें वन पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो। तो एक और एंगल बनाने के लिए हम वो एंगल इस तरह से बनाएंगे कि एक पॉइंट कॉमन मिले उसमें। तो हम इस तरह से ले लेते हैं ये और ये। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ये दो एंगल्स बन गए हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, और इसमें पॉइंट कॉमन यहाँ पर है ये। तो ये एक पॉइंट कॉमन है, ये ए पार्ट का आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसको ही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये ना करना चाहें तो एक पॉइंट कॉमन के लिए हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। उसे अगर देखें हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम इस तरह से बना सकते हैं ये एंगल, और दूसरा एंगल हम इस पॉइंट पर वर्टेक्स जो होता है इसका शीर्ष वहां पर बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ भी एक पॉइंट कॉमन आ रहा है बीच में, और ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, और वन पॉइंट कॉमन यहाँ पर ये आ गया। तो ये भी ए पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी में कहा है टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो टू पॉइंट्स कैसे कॉमन बनेंगे, उसके लिए फिर हम एक एंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये एक एंगल बना लिया, यहाँ एरोज लगेंगे, और उसके बाद दूसरा एंगल इस तरह से बनाना है कि उसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो। तो दो जगह इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो कैसे हो सकता है? तो दूसरे एंगल की एक रेज होगी, वो हम इस तरह से बनाएंगे कि दो जगह उसको इंटरसेक्ट करे, और दूसरी हम ऐसे बनाएंगे जो बाहर से जाए, कहीं इंटरसेक्ट ना करे। तो अब हमारे पास यहाँ जो है ये दो एंगल्स आ गए हैं इसमें, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दो पॉइंट्स कॉमन हो गए और ये दो एंगल्स बन गए। तो इस तरह से आपका बी पार्ट का ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद सी पार्ट देखें। सी में आपको कहा है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो अब हमें थ्री पॉइंट्स कॉमन करने, फिर से हम उसी तरह से सबसे पहले एक एंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरा एंगल फिर हम देखेंगे कि किस तरह से बनाएं कि उनमें तीन पॉइंट्स कॉमन आ जाए। तो ये एक एंगल बन गया, अब हमें इस तरह से बनाना है कि वो तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें। तो पहली हम रे इस तरह से लगा ही लेंगे जैसे हमने पहले लगाई थी, तो ये दो पॉइंट्स तो हो ही गए। अब दूसरी जो हमें रे चाहिए वो इस तरह से लगानी है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है दो एंगल्स बन गए, दो एंगल्स हैं और तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन टू और थ्री। तो तीन बिंदु इसमें उभयनिष्ठ हो गए। इस तरह से आपका ये सी पार्ट का आंसर बन जाएगा। डी में चलें। तो अब आपके पास डी जो है इसमें कहा है फोर पॉइंट्स इन कॉमन, चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो चार बिंदु कैसे उभयनिष्ठ हो सकते हैं, उसके लिए हमें चार जगह इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल बनाते हैं, ये एंगल बन गया। अब दूसरा एंगल इस तरह से बनाना है कि वो इनको चार जगह इंटरसेक्ट करे। तो एक रे बना लेते हैं सबसे पहले, ये दो जगह इंटरसेक्ट करिए, दूसरी इस तरह से बनानी है कि वो दो जगह इंटरसेक्ट करे। चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से मुझे इजी लग रहा है बनाना। तो यहाँ से कर लेते हैं ऐसे, और अब आप देख सकते हैं ये चार जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब दो एंगल हमारे पास ये बन गए हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है ये, और दूसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है, और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को चार पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट, वन टू थ्री फोर। तो चार बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, फोर पॉइंट्स कॉमन हो गए। तो इस तरह से आपका ये डी का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट है, इसमें आपको यहाँ पर ई जो है इसमें कहा है वन रे इन कॉमन, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। अब रे कॉमन बनानी है ये, तो फिर से एक एंगल बना लेते हैं, ये एंगल बन गया हमारा। और सेकंड एंगल इस तरह से बनाना है कि एक रे कॉमन आ जाए, एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों में से एक रे को हम दूसरे एंगल की भी एक रे मानेंगे, और फिर देखेंगे किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं कॉमन, एक रे ये हो गई, सेकंड रे हम कोई और बना लेते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं दो एंगल्स बन गए, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है, और इन दोनों में ये जो बीच वाली रे है ये कॉमन है, बीच वाली किरण उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से ये ई पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस जो हैं इनको करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्या क्वेश्चन में बोला है, और उसके अकॉर्डिंग आपने करना है।
तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।